हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सबके लेके आई हूँ मसूर दाल और पालक साग की रेसिपी। अभी तो पालक साग की ऑफ सीजन हो चुका है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो आपको खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो पालक लिया है, इसको मैंने मीडियम साइज में काट के अच्छे से धो लिया है। अब मैंने यहाँ पे गैस में पैन चढ़ा दिया है। पैन गरम होते ही मैं इसमें 3 चम्मच तेल दे दूंगी। तेल गरम होते ही हमने जो पालक काट रखे थे उसको मैं दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे आधा बारीक कटा हुआ प्याज दे दूंगी। 3 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन दे देंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची दे दूंगी। नमक स्वाद अनुसार देख के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम पानी ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पालक से खुद ही पानी निकल जाएगा, दूसरी पानी की हेल्प से ये अच्छे से कुक भी हो जाएगी, इस वजह से पानी यहाँ पे ऐड नहीं करना है। 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद देखिए पालक हम अच्छे से पक चुकी है फ्रेंड्स। अब इसको मैं एक प्लेट में उतार लूँगी। अब जिस पैन में हमने साग को फ्राई किया था उसी पैन में मैं 2 से 3 चम्मच तेल दे दूँगी। तेल गर्म होते ही मैं 3 से 4 लाल सूखी मिर्ची को इसमें दे देंगे, फ्राई कर लेंगे। जैसे फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे लहसुन दे दूँगी 1 चम्मच बारीक कटी हुई, इसको भी फ्राई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे आधा प्याज बारीक कटी हुई दे दूँगी, देखिए इसको भी फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप मसूर दाल को नमक के साथ बॉईल कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इनको मैं अच्छे से मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारी दाल जो है मसालों के अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुकी है। पालक साग को जो फ्राई कर लिया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए दाल और साग को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पालक साग और दाल अच्छे से दोनों मिक्स होकर फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स। हमारी रेसिपी बनके तैयार है पालक साग मसूर दाल की रेसिपी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।